टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टू, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। ओके, ये दो चीज़ें मालूम है तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, क्वेश्चन में बताया गया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू टू है, तो आप लिखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टू, ये गिवन है। अब इसमें आप क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है, आप देखें उसमें टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ये स्क्वायर हमें तभी मिलेंगे जब हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायरिंग, लेफ्ट साइड में स्क्वायरिंग कर दी और राइट साइड में जो भी था इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर दी। अब आपको मालूम होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये आइडेंटिटी याद कर लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स का सम और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे, देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर ऐड करेंगे, देन उन दोनों नंबर्स का टू के साथ प्रोडक्ट हम कॉपी करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ फॉलो कर लेते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो पहले हम टेन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे जो कि टेन स्क्वायर थीटा होता है, देन हम कॉट थीटा का स्क्वायर लिखेंगे जो कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा कॉट थीटा से, तो हमें मिलेगा टू टेन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू फोर मिल जाएगा, क्योंकि टू इंटू टू ये फोर हो जाएगा। अब आप देखें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को तो हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। यहाँ ध्यान से देखें, टू टेन थीटा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉट थीटा का मतलब वन अपॉन टेन थीटा होता है। ओके, कॉट थीटा की जगह मैं वन अपॉन टेन थीटा लिख दूंगा, या आप चाहें तो टेन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा से, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉट को चेंज करता हूँ वन अपॉन टेन थीटा से, तो कॉट की जगह वन अपॉन टेन थीटा आ गया। राइट साइड में फोर है, अब देखें ये टेन और ये टेन तो कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ टू बचेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू। ये जो प्लस टू है, इस प्लस टू को हम भेज देते हैं राइट साइड में, तो जब ये प्लस टू राइट साइड में जाएगा तो माइनस टू बन जाएगा, फोर माइनस टू आप लिख लोगे। नाउ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी टू, ये वैल्यू हो गई है टू। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऐसा करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो। ओके, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो आप, और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो। तो देखो, स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू आ गई। तो आपको मिल गया आंसर, इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट टू। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।